सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह बात करने वाला हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक कैलेंडर है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो एकेडमिक कैलेंडर है, ये कैसे या किस प्रकार फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो एकेडमिक कैलेंडर है, इसमें सबसे पहले क्लासेस के बारे में बताया गया कि जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, उनकी क्लासेस जो है 10 अगस्त 2020 से कंडक्ट करवाई जा रही है ऑनलाइन थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम, या जो भी अपना है, टीचर्स अपने हिसाब से क्लासेस, कोई टीचर्स गूगल मीट पे ले रहे हैं, कोई जूम पे ले रहे हैं, जिसको जब जैसा अपना सुविधा लग रहा है उसी हिसाब से क्लासेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि जो ये क्लासेस है 10 अगस्त से जो ऑनलाइन हो रही है, तो इसके अंतर्गत जो आपका एग्जाम है वह 12 दिसंबर से कंडक्ट करवाया जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जिस भी कोर्स में हो। तो दोस्तों, अब बात आती है कि कॉलेजेस कब खुलेंगे, हैं कब लाइब्रेरी ओपन होगी। तो दोस्तों, अब जब तक MHA या जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय है, वो जब तक अपना दिशा निर्देश ठीक प्रकार से जारी नहीं कर देती कि कब प्रॉपरली खोला जाए कॉलेजेस को, ये स्कूल को बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब तक तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि COVID-19 का जो यह प्रकोप है, जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है, ये दिन प्रतिदिन अपना ही एक अलग रूप दिखाए जा रही है। ये जो महामारी है अपने चरम स्थान पर पहुंच चुकी है, और इसको नियंत्रित करने में बहुत समय लग सकता है। वैसे हमारे जो देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उन्होंने ये कहा है कि दिवाली तक हम देखो कंट्रोल कर सकते हैं इसको, बट कहीं ना कहीं हम सबकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। ठीक है, और आप सभी जो है, मेरे जितने भी दोस्त, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरा उनसे यही निवेदन रहता है कि आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, खासकर जो आपके बुजुर्ग हैं घर में, उनका विशेष तौर से ध्यान रखें, चाहे वो आपके दादा दादी हो, कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं अब लास्ट बात ये कहना चाहूंगा कि जो ये नोटिफिकेशन आया है आज, उसका लिंक जो है, ऑफिशियल लिंक, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, मैं इस वीडियो के लास्ट में, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उसमें, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि दोस्तों आप वहां से डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो कोई भी इन्फॉर्मेशन को जानने में। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, जिसका नाम है इन्फोडेस ASH स्पेस जोन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें आप सब, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। जो जितने मेरे अदर जूनियर स्टूडेंट्स हैं, मेरे नहीं, मतलब जो भी मेरे जूनियर हैं या जो भी हैं, उनको आप शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो कुछ, और उनको भी अपडेट मिलता रहे समय समय पे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। सो धन्यवाद आपका, बाय बाय।